अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। पर्यावरण के संरक्षण के लिए बांस की खेती आवश्यक है, ऐसी माहिती भाजपा नेता पाशा पटेल ने पत्रकार परिषद के माध्यम से दी है। पर्यावरण के साथ साथ ईंधन की रक्षा के लिए किसानों को बड़े पैमाने पर बांस की खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कम लागत, अधिक उपज देने वाली और पर्यावरण के अनुकूल कृषि से देश और देश को फायदा होगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, ऐसा राष्ट्रीय कृषि आयोग के सदस्य और भाजपा नेता पाशा पटेल ने कहा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री शाह के सहयोग से काम में तेजी लाई जाएगी, ऐसा उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार परिषद में कहा। इस वक्त जिला भाजपा महासचिव माधव मानकर, रमेश अप्पा खोपरे, गिरीश जोशी, अक्षय जोशी, मोहन पारधी, अधिवक्ता देवाशीष काकड़ और अतुल अग्रवाल उपस्थित थे। उन्होंने नीदरलैंड और एक राष्ट्र के साथ आसाम में एक बांस आधारित ईंधन कारखाने के निर्माण का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में बांस की 16,000 किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 11वें बांस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 साल बाद विभाग से बांस हटा दिया गया है और किसानों के कल्याण के लिए बांस को घास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने उदाहरण सहित जानकारी दी। अकोला 24 न्यूज के लिए इरशाद अहमद की रिपोर्ट। जिल्ह्यामध्ये बांबू परिषद घेतोय, आज अकोल्याची होती। बांबू हे पीक वर्षाला 2,00,000 रुपये देणार, बगर खर्चाचं याला खुरपणे, नांगरणे, कुळपणे, खणणे, बांधणे, फवारणे नाही, त्याच्यामुळे बगर खर्चाचं कमी पावसामध्ये एकरी 2,00,000 रुपये देणारं पीक आहे। याच्यापासून इथेनॉल तयार होत आहे, त्याच्यापासून दगडी कोळशाच्या ऐवजी बांबू वापरून वीज तयार करता येते, बांबूपासून कपडे तयार करता येत, बांबूपासून ब्रश तयार करता येते आणि बांबूपासून फर्निचर तयार करता येते। ह्या सगळ्या गोष्टी तयार होतात। बांबूची लागवड 1,10,000 एकर, 1 कोटी एकर जरी झाली तर बांबू कमी पडणार आहे। मध्येच जरी बांबू लावला तरी बांबू कमी पडणार आहे। आता 1,800 वस्तू बांबूपासून तयार होतात। म्हणून शेतकऱ्यांनी आपलं उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकरी 2,00,000 उत्पन्न घेण्यासाठी बांबूची लागवड करावी असं मी सांगत आहे। अमित शहासाहेब एप्रिल महिन्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी बांबूचे प्रयोग पाहण्यासाठी माझ्याकडे येत आहेत, त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं असं मी शेतकऱ्यांना आवाहन करतो। शादी की रस्म होती है कुछ घंटे की, मगर आपका रुतबा रहना चाहिए जिंदगी भर, और ये रुतबा रखते हैं न्यू फेमस म्यूजिकल बैंड पार्टी। धूम मचा दे, रंग जमा दे, न्यू फेमस म्यूजिकल बैंड पार्टी। शादी हो या जश्न, खुशियों के इन पलों को यादगार बनाए। राजस्थानी, पंजाबी, गरबा, लावणी एवं फड़कते अंदाज में फिल्मी गीत, डिजिटल साउंड के साथ न्यू फेमस म्यूजिकल बैंड पार्टी, शास्त्री स्टेडियम, जुना बस स्टैंड के सामने, टावर चौक, अकोला।